हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी के किंग में। दोस्तों आज दोस्तों कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले। आज है हम अपने खेत के अंदर, खेत में आने का और खेत में शूट करने का कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि खेत में किसान भाई बहुत ही परेशान, ये आप खुद जानते हैं कि किसान भाई बहुत परेशान है। पशुओं से परेशान है, पक्षियों से परेशान है, कीटों से परेशान है, कीड़ों मकोड़ों से परेशान है, प्रत्येक चीज से जो किसान है वो प्रेजेंट टाइम में परेशान है दोस्तों। तो हम खेत में इसलिए आए कि हम एक बहुत ही खतरनाक जुगाड़ बनाया है हमने। यकीन मानिए दोस्तों, ये जुगाड़ अगर आपने खेत में लगा दिया तो किसान भाई जो परेशान होता है वो कम हो जाएगा। तकलीफ इतनी आती है किसान भाई को कि अगर आवश्यक घर पर कुछ काम होता है तो वो नहीं जा पाता है। किस कारण? पशुओं के कारण, पक्षियों के कारण परेशान होता है तो वो घर पर नहीं जा पाता, वो आवश्यक काम नहीं कर पाता है दोस्तों। तो यकीन मानिए आप, ये ऐसा जुगाड़ है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको आधे घंटे के अंदर उसको तैयार करना है। तैयार करने की विधि भी मैं बता दूंगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन किसान भाइयों तक पहुँचाइए। यकीन मानिए दोस्तों, ये जुगाड़ बहुत ही खतरनाक है। किसान परेशान होना बंद हो जाएगा, किसान बहुत ही तकलीफें झेल रहे हैं वो बंद हो जाएगा। कितनी तो तकलीफें, पशु पक्षियों से ही परेशान है वो, ये सब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जुगाड़ बहुत ही खतरनाक है और ये जुगाड़ बहुत खतरनाक काम करने वाला है। अब बनाना कैसे है, कैसे तैयार करना है, वो मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको। आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो किसान भाइयों तक पहुँचाइए। जो भी आपके रिश्तेदार में, सबको भेजिए ये वीडियो, सबको बताइए ताकि ये जुगाड़ कर सकें। चलिए तो दोस्तों, अपना ये वीडियो शुरू करता हूँ मैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाइयों तक शेयर कीजिए इसको। चलिए तो दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों, अपना जो वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एकदम ईजी तरीका बताऊँगा, आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं इसको, बड़े आसानी से तैयार कर पाओगे दोस्तों। और यकीन मानिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपको ये काम जरूर करना है कि इसको खेत के बीचों बीच लगाना है दोस्तों, जहाँ जिस तरह से हवा ज़्यादा आ रही हो वहाँ लगाए, और बीचों बीच लगाए तो बड़ा सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि बीचों बीच में हवा थोड़ी ज़्यादा आती है खेत में, तो बीचों बीच में सारी तरफ से कवर कर लेगा वो और बड़े आसानी से वो पंखा घूमेगा और अपना काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल देखिए दोस्तों, मैं हमने ले ली एक बड़ी सी लकड़ी ले ली। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको छोटी भी ले सकते हैं, इसको बड़ी भी ले सकते हैं, बाद में क्या करना है उसका वो भी मैं बताऊंगा आपको। सिंपल हमने क्या किया, इसको मेक से इसको अंदर कर दिया है और ये पाइप इसके अंदर लगा दिया। देखिए दोस्तों आप, सिंपल अब क्या करना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस पाइप को इस पर चिपका भी सकते हैं दोस्तों, बड़े मजबूती से। हमने तो इसको, हमारे पास था तो हमने इसको लगा दिया। अब क्या करना है कि हमने एक लकड़ी ली, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये देखिए, मैंने ले ली एक लकड़ी और लकड़ी के पीछे ये दो तार बांध दिए। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार बांधना है आपको दोस्तों। अब यहाँ पर दो अंकोड़े ये जो लगाए हैं, ये भी आप अपनी सुविधा के अनुसार मजबूत भी, ज़्यादा मजबूत तो नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा मजबूत लगाओगे तो हवा से पंखा घूम नहीं पाएगा, वजन इतना उठा नहीं पाएगा। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार लगाना है और अच्छे लगाना है ताकि ये थाली को मजबूती से बजाए। सिंपल क्या करना है, अब इसको इसके अंदर डाल देना है। ये डाल दिया मैंने, डाल दिया। अब क्या करना है, आपको पंखे को इसके अंदर घुसा देना है। ये देखिए हमारा पंखा घुस गया। आपको क्या करना है दोस्तों, आप ऐसे नहीं तो इस अलग भी कर सकते हैं, इसको पंखे को पहले से फिट कर सकते हैं और ये तार लगा सकते हैं इसके पीछे, अंदर डालने के बाद लगाना है वो, ये आप आसानी से काम करेगा। अब हमने क्या किया है, थाली को नीचे रखने के लिए हमने एक तार लगाया, मजबूत तार लगाया दोस्तों। लकड़ी थोड़ी सी बड़ी ले तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो तार आसानी से इसके ऊपर आ जाएगा। हमने तार को अच्छे से बढ़िया से पैक कर दिया इधर से और ये थाली के लिए हमने ये तार रख दिया। देखिए दोस्तों, बड़ा ख़तरनाक जुगाड़ है दोस्तों, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर थाली रख दी। अब क्या करेगा ये ऐसे घुमाए, ऐसे हवा से घूमेगा तो ज़बरदस्त बजने वाला है दोस्तों। आपको यहाँ पीछे अंकोड़े के लिए हमने तो
ज़्यादा मजबूत लिया नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़े से मजबूत ले सकते हो ताकि ये जो है बड़ी खतरनाक तरीके से बच पाए। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। देखिए तो दोस्तों, मैंने इसको हाथ में ले लिया है, अब देखिए ये कितना खतरनाक काम करता है। इसको थोड़ा अंदर डाल लेता हूँ मैं ताकि बाहर निकले नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये हवा से घूमेगा, लेकिन देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना खतरनाक जुगाड़ है अपना। चलिए तो दोस्तों, मैं अब आपको बड़े से एक खंभे के ऊपर लगा के ये बता देता हूँ कि ये कितना मजबूती से दौड़ता है और कितने मजबूती से काम करता है। आपको दोस्तों ये काम जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, किसान भाइयों तक पहुँचाना है, और इसको जो है खेत के बीचों बीच खड़ा रखना है। ऐसे जितना मतलब लकड़ी, इतनी बड़ी एक लकड़ी ले लेनी है, उसको अंदर डाल देना है, उसको अंदर डाल लेना और उस लकड़ी से इसको बांध देना है दोस्तों। हवा से मैं आपको बता देता हूँ कि हवा से थोड़ा ऊपर लगाएंगे तो हवा से आसानी से घूमेगा दोस्तों। मैं आपको चलिए तो लगा के बता देता हूँ दोस्तों। हमने जो जुगाड़ आपको बताया कि ऐसे करना है, आपको वो तैयार कर लेना है दोस्तों। और सिंपल आपको क्या करना है कि अपने खंभे के ऊपर, जैसे कि हमने बांधा, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए हमने इस खंभे के ऊपर बांध दिया दोस्तों। ये खंभा है, आप भी ऐसे जिस जगह बांधना है, इस ऐसी जगह पर बांधना है आपको कि जहाँ पर हवा का अनुमान ज़्यादा हो, यानी कि आपको लगे कि हाँ इस तरफ से हवा ज़्यादा आ रही है दोस्तों। तो यकीन मानिए दोस्तों, हवा आने पर ये बहुत ही खतरनाक चलता है। आपको कोई बिजली की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी जगह लगाए जहाँ पर थोड़ा ऐसा, आप खेत के बीचों बीच भी लगा सकते हैं दोस्तों। एक बड़ा सा लकड़ी खड़ी करके उसके ऊपर बांध सकते हैं इसको, यदि कि हमने ऐसे बांधा है इसको, इसी तरह आप इसको बांध के भी लगा सकते हैं दोस्तों। अब सिंपल आप हवा के भरोसे इसको छोड़ दीजिए, ये काफ़ी आसानी से चलता है दोस्तों। थोड़ा सा इसको चला देते हैं, अब देखिए दोस्तों हवा से आसानी से चलेगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये जो जुगाड़ है आपको पसंद आएगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, किसान भाइयों तक शेयर कीजिए वीडियो को, आपके जो भी रिश्तेदार हैं उन तक पहुँचाइए दोस्तों, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ। और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊँगा मैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।